नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया बैनर तले 26 दलों की पार्टियां कल मुंबई में इकट्ठा होंगी और कल डिनर पर कुछ बातचीत के बाद 1 सितंबर को बाकायदा एक मीटिंग होगी जिसमें बहुत कुछ तय किया जाएगा। मीटिंग से पहले कुछ ऐसी गहमा गहमी चली जिसने ये बता दिया कि वास्तव में गठबंधन में बहुत गहरी गांठें हैं, बहुत मजबूत गांठें हैं। अगर वो नहीं खुली तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये और बात है कि प्रधानमंत्री का एक सम्मिलित और सर्वानुमति वाला उम्मीदवार कौन होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से कुछ अन्य दलों को बुलाने की कवायद पिछले 72 घंटों से चल रही थी उसमें मायावती ने एक बड़ा कील ठोक दिया है। मायावती ने स्पष्ट किया कि वो न तो इंडिया के साथ जाएंगी और न एनडीए के साथ, वो पूरे देश में आम चुनाव के समय अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को हर एक सीट पर खड़ा करेंगी और बहुजन समाज पार्टी के लिए वो वोट मांगेंगे। मायावती ने इंडिया का पूरा खेल ही खराब कर दिया है। और अगर समीकरण को देखें तो इसके बाद ये स्थिति जरूर बनती है कि कोई अगर सर्वानुमति का भी एक उम्मीदवार इंडिया बैनर तले चुनाव लड़ेगा, अगर उनका कोई चिन्ह भी होगा, तो अगर बीएसपी का कोई कैंडिडेट किसी भी लोकसभा क्षेत्र से खड़ा होगा तो कम से कम वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और उसका फायदा किसे मिलेगा ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। खैर, मायावती को मनाया भी जा सकता था, उनसे और बातें भी की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं होनी है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो वरिष्ठतम नेता हैं इंडिया गठबंधन में फिलहाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती को तो हमने बुलाया ही नहीं और ना मायावती को हम इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही या कोई और नेता नहीं बोला, लालू यादव ने क्यों बोला? क्योंकि अगर अखिलेश यादव कोई बयान देते तो बात समझ में आती, लेकिन लालू यादव ने बयान दिया, मतलब और मायने समझना बहुत जरूरी है। लालू यादव को यह भरोसा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव तक कुछ ऐसी स्थिति बनाएंगे या आपस में तालमेल की कोशिश करेंगे जो एक फॉर्मूले के तहत दोनों की मान्यता भी बच जाए, दोनों का अपना अपना ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। लेकिन मायावती तैयार नहीं दिखी, इस बात की जानकारी लालू प्रसाद यादव को मिल गई। लालू प्रसाद यादव इसमें समन्वयक की भूमिका अदा करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने लालू प्रसाद यादव को कोई न तो संदेश दिया न संकेत दिया। लालू यादव इससे चिढ़ गए। कोशिशें और भी होनी थी, मसलन शरद पवार, ममता बनर्जी या कोई अन्य नेता, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन अपने राज्यों के गठबंधन के तारों को खोलने और उसको जोड़ने की कवायद इस तरह से इनके दिमाग में चल रहा है उस रणनीति को और समीकरण को फिट करने की कि इनको इतना समय ही नहीं मिला कि मायावती को कैसे मनाया जाए। लालू यादव को पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने एकमात्र पार्टी अगर कोई होगी विपक्ष के तौर पर वो होगी आरजेडी और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। लालू यादव उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश कर सकते थे क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव और लालू यादव परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता भी है। ऐसे में मायावती से संवाद की कोशिशें हुई, लेकिन मायावती तैयार नहीं हुई क्योंकि मायावती को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है उसे नहीं समझाया बुझाया गया
तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी। अपने राजनीतिक समीकरण में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है उसको मायावती बेहतर तरीके से समझ रही हैं और हर एक जातियों को उस जगह में उसके वर्चस्व के हिसाब से टिकट देने की स्थिति में आज भी मायावती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो समझता है और जानता है, कम से कम ये बात तो जरूर मानेगा कि जो मुलायम सिंह की विरासत बनाई थी राजपूत और ब्राह्मणों में, वो कम से कम अखिलेश यादव नहीं बना पाए। लेकिन मायावती के साथ ये ऐसी स्थिति है कि एक सोशल इंजीनियरिंग का उनका जो फॉर्मूला है कि एक वोट बैंक उनका फिक्स है, जब किसी अगड़े को वो टिकट देती हैं तो वो ये कहती हैं कि अपने जाति और अगड़ी जाति को आप साधिए और इतना वोट आपको मिलेगा और इसमें मेहनत करिए, जीत जाइए और आप विधानसभा का सदस्य बनिए या लोकसभा का। और ये जो फॉर्मूला है, उत्तर प्रदेश का अगड़ी जाति का कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई भी प्रत्याशी होता है या चुनाव मैदान में कूदने की हसरत रखता है, वो मायावती के इस फार्मूले से सहमत होता है। और इसलिए जब टिकट का बंटवारा होता है तो चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत या अन्य अगड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति, वो बहुजन समाज पार्टी से जब टिकट लेता है तो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित पाता है। इस मायने में मैं कह रहा हूं कि चुनाव नहीं जीत जाएगा लेकिन इतना वोट वो पाएगा कि वो सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ एक तथ्य यह है कि MY अर्थात मुस्लिम और यादव वोट तो उनका फिक्स है, इसके बाद हर जाति को उनको साधना है। इस साधने की कवायद में मुलायम सिंह यादव का वजूद जब तक था, यहां तक कि उनके चाचा वो भी इसमें पूरी तरीके से सिद्धस्त हैं, लेकिन अखिलेश यादव को वो समीकरण फिट करने में कई मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि न तो वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर पाए हैं और न राजपूतों को। ये और बात है कि उनके सांसद और विधायक उनकी पार्टी से, उनके टिकट से जीते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश खासकर के पूर्वांचल के कुछ बड़े राजपूत नेताओं को उन्होंने दरकिनार किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने यह समझ लिया कि बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत और ब्राह्मण वोट है और हिंदुत्व का उसमें छौका है, तो कुल मिलाकर के अगड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे में MY कॉन्सेप्ट पर तो वो खरे उतर रहे हैं लेकिन अगड़ी जातियों के इन दो बड़े वोटर्स को वो शायद ही जोड़ पाए, और इसमें मायावती ऐसा कर पाएंगी ये भरोसा और विश्वास है। इसीलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि न तो वो इंडिया के साथ जाएंगी न NDA के साथ जाएंगी। टिकट बंटवारे में हर एक लोकसभा सीट से पूरे देश में जहां भी वो उचित समझेंगी उनका उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा हो, और ये सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में वो इतना अपने को फिट पाती है कि अगर वो इंडिया या NDA गठबंधन के साथ जाती है तो उनको समझौता करना पड़ेगा। मायावती ये समझौता नहीं चाहती क्योंकि अगर वो ये समझौता करेंगी तो उनका कैडर पूरी तरीके से सुस्ती की स्थिति में जा सकता है और पार्टी का जो एकाधिकार कम से कम उत्तर प्रदेश में है वो और कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले में इतना मजबूत होने के बावजूद भी अभी तक कोई बहुत बड़ा एक बड़ी भूमिका विपक्ष के तौर पर नहीं निभा पाई। उसके पीछे ये भी कारण माना जा रहा है कि अभी उनको या अपने कैडर को फिर से जोश में लाने के लिए मायावती को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और ये एक बड़े कदम के रूप में है और मायावती का मास्टर स्ट्रोक भी है, एक ऐसा स्ट्रोक जिससे NDA को तो फायदा होगा लेकिन इंडिया गठबंधन तले अगर सर्वसम्मति बन जाती है तो कोई भी कैंडिडेट मायावती के कैंडिडेट के सामने 20 नहीं होगा, कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है और दिल्ली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मायावती बन गई, इसलिए लालू यादव बेहद नाराज है और नाराजगी में उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया
कि ना तो उन्होंने मायावती को बुलाया था और ना ही इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाएगा। आप देख लेंगे और देख लीजिएगा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान आएगा और वो इंडिया गठबंधन की बखिया उधेड़ करके रखेगा। और जब ये स्थिति होगी तो फिर विपक्ष जो एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश करता हुआ दिख रहा है उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। आप हमारी इस खबर और विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।